एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ शॉर्ट एंड एक्सरसाइज 3 का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। आज मैं काफ़ी समय बाद आप सभी के सामने आई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आप सभी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज 3 करने के बाद, यानी कि ये पार्ट 3 कंप्लीट करने के बाद, हम एक्सरसाइज 3 का क्विक रिवीजन एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे एंड फिर अपना क्विक रिवीजन पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी कि हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट है या नहीं है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले बर्तन लिखा हुआ है, तो अब हम जानेंगे कि बर्तन हम कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए, ब र त न बर्तन, भ र म भरम। ये देखिए, ये भरम लिखा हुआ है, तो हमने ये लेफ्ट साइड के झुकाव में पा वर्ग का पा को डार्क करा हुआ है, यानी कि फा को हमने एग्जैक्टली डार्क लिखा हुआ है, तो वो हमारा भा बन गया, भ र म भरम। ये जैसा कि मैंने आपको बताया है अपने पिछले वीडियोस में कि हम म ऐसा लिखेंगे और ये न, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछले सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। हम एक्सरसाइज 2 का भी क्विक रिवीजन करेंगे और आप जब एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लीजिएगा तब उस क्विक रिवीजन को देखिएगा, जिससे आपको आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएंगी। रट, रा ट रट। लंप, ये देखिए, ये है हमारा लंप, ला म प लंप। ये देखिए, जैसा कि हम ला गए, ये हमने मा बनाया कट वाला, और ये पा, पा जैसा कि आपको पता ही होगा कि कैसा बनता है, जी हाँ, पा हमारा लाइट बनता है। आगे चलते हैं। समय, ये देखिए, स म य। सा मैंने दाया यूज़ किया हुआ है और बिना कट वाला मा, और ये हमारा या। धर्म, ये देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि दा को अगर हम डार्क कर देंगे तो, और उसमें कट लगा देंगे, तो हमारा धा बन जाएगा, र म। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब हम जैसा कोई कट वाला वर्ड लिखते हैं तो उसमें हमें कट बाद में लगाना होता है। शॉर्ट हैंड इज़ लाइक अ कर्सिव राइटिंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कर्सिव राइटिंग में हाथ ना उठे, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। एग्जैक्टली मैंने भी धर्म, ये देखिए, जब लिखा तो ध र म, यानी कि जहाँ पर मेरा फर्स्ट वर्ड ख़त्म हुआ वहीं से मेरा सेकंड वर्ड शुरू होना चाहिए, एंड देन मैं अपना ये कट लगाऊंगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा सरपट लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड का ये सा, सर प ट सरपट। हम, ह म हम। हम को हम देखिए इस तरह भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही फॉर्म सही हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको यहाँ मन में भी एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, माँ को हम कट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3 का ये जो पार्ट 3 है, मैं इसको पहले भी डाल सकती थी लेकिन थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं इसे आज डाल रही हूँ, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा इतने दिनों के लिए। ये देखिए, ये हमारा वह लिखा हुआ है, तो वह, और ये हाँ वह। ये देखिए, ये अड़ा लिखा हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको हा की तरह लिखते हैं और हा में हम कट लगा देते हैं, तो ये हमारा ड़ा बन जाता है। ये देखिए, ड़ा, तो ड़ा आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, ये हमने रा बनाया और रा में हमने कट लगा दिया, तो ये हमारा ड़ा बन गया, और ये हमारा अंगा, जैसा कि आपको पता ही होगा।
ना को अगर हम डार्क कर दें तो हमारा अंगा बन जाता है। ये लीजिए, अब हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।